आज मैं दिखाती हूँ आपको मेरा टेरेस गार्डन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लगा रखा है सरसों, देखिए ये अभी छोटे हैं, बड़े होंगे। इसमें मैंने धनिया लगाया है बट वो अभी आया नहीं है। आगे देखते हैं, ये मैंने इसमें लगा रखा है चना, चने का साग जिसको मैंने तोड़ करके बना लिया है। इसका मैंने शॉर्ट डाला है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद ये है पालक, ये पालक लगा रखा है मैंने यहाँ पे, और ये साथ में है टमाटर। तो मेरा टमाटर भी अच्छा खासा बड़ा हो रहा है, इसमें टमाटर आएगा, मुझे इसमें सपोर्ट देना पड़ेगा ताकि ये खड़ा रहे। इसको मैं अच्छे से बांध दूँगी तो ये सही रहेगा। उसके बाद मैंने यहाँ एक और चीज़ लगा रखी है, इसको हम लोग पोए का साग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसका साग भी अच्छा लगता है खाने में। और ये देखिए, ये है मेरा एलोवेरा जो मैं बस ये वाला लेकर के आई थी। इसके बाद इससे ही ये सारे हुए हैं, ये भी ये सब इसी के जड़ से निकल रहे हैं। मैंने और भी जगह लगा रखा है, वो है ये भी इसी का है, और इसके साथ भी एक और छोटा सा निकल रहा है यहाँ पे। मैंने लगा रखा है नीम, ये अभी छोटा है, इसको मैं ज़मीन में लगाऊंगी बट अभी नहीं। और मैंने यहाँ लगा रखा है धनिया को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि इसमें अब बीज आ रहे हैं, देखिए ये बीज धीरे धीरे पक जाएंगे, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। इसको हम अभी हार्वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें से बहुत धनिया हमने खा लिया है बट इसको छोड़ दिया है बीज के लिए। और उसके बाद हमने यहाँ लगाया है पालक, ये पालक इतना अच्छे से हुआ नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, बस ये इस कोने से बड़ा हो रहा है बट इधर से नहीं हो रहा है। इसमें प्रॉपर खाद वाद भी दिया था मैंने, फिर भी नहीं बड़ा हुआ। और ये लगाया था मैंने मेथी, पहले मैंने मेथी ही लगाया था बट फिर इनको छोड़ दिया था बीज के लिए। ये देखिए ये ब्राउन हो रहे हैं, ये जब ये पूरा ब्राउन हो जाएगा फिर इसको हम निकाल लेंगे। और ये है नर्सरी बैग, इनमें मैंने अभी नया बीज लगाया है, एक में लगाया मैंने भतुए का और इसमें लगाया है मेथी का, बट अभी इनमें कुछ आया नहीं है। देखिए ये मेरा टेरेस गार्डन है, ये सब देख सकते हैं। ये मेरा एलोवेरा है, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने ज़मीन पे लगाया है बट इसके नीचे मैंने पॉलीथीन डाल दिया है, देखिए इससे इस टाइप का, इससे मेरा छत ख़राब नहीं होगा इन सब में। बाकी इनको मैं हटा दूँगी, फिर मैं इनको इस तरीके के नर्सरी बैग में डालूँगी, बट अभी इसमें अभी ये लगा हुआ है इसलिए इसको हम नहीं हटाएंगे। ये जब पूरा हो जाएगा उसके बाद हम इसको नर्सरी बैग में इसको कर देंगे, और इसको भी। तो ये है मेरा छोटा सा टेरेस गार्डन। मेरे पास एक और गार्डन है, किचन गार्डन, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी।